घबराना नहीं है आपने। अस्सलाम वालेकुम, मैंने सोचा वीडियोस तो होती रहती हैं, थोड़ी गपशप भी तो हो जाए ना जरा। तो बताएं कैसा गुजरा आप लोगों का ये वाला वक्त और क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों की? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे भाभी ने कोई गुनाह किया, कोई जुर्म किया और उसकी सजा हम सब फैमिली मेंबर्स को मिल रही है और हम सब कैद में भाभी के साथ। मुझे पता है आप लोगों में से कुछ लोग तो अभी भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे और कुछ लोग तो ऐसे सड़ बुझ के डिप्रेशन का शिकार हुए होने। कोई बात नहीं, मैं भी हो जाती हूँ डिप्रेशन का शिकार। हलीलू रहमान को मुल्क भी अल्लाह ही पूछे। भला ये मेरे पास तुम हो ड्रामा इन हालात के लिए बचा के रख लेता, आड़े वक्त के लिए कोई शुगल मिल जाता हमें, कोई हमारे लगे रहते। अच्छा ये बताएं कि बड़ा आप लोगों ने सोचा था ना हम लूडो शुडो खेलेंगे, बिरयानी बनाएंगे, केक बनाएंगे, वो लोग जिन्होंने आज तक पिज्जा नहीं बनाया उन्होंने भी घर में पिज्जा बेक किया, वो अलग बात है, पापड़ जैसा सख्त। और हाँ उन भाईजान की वीडियोस भी तो देखी ना आपने जो कहते थे कि हाँ जी क्या हाल, बड़े तुसी कहते सी मैं बर्गर खाना है, मैं बाहर जा रही हूँ रमजान में, नमाजें शुरू की है कि नहीं की। उन भाईजान को तो सुना है बू से मार मूर पिट की ये डांट डूंट खबरदार आइंदा वीडियोस बनाई। अच्छा हम देखते हैं ना जब टीवी पे कोई टॉक शो में या कोई ऐसे बात कर रहा होता है कि अभी हालात नहीं ठीक होने, अभी तो मजीद बिगड़ने हैं या कुछ ऐसे, शायद मसूद का प्रोग्राम लगाओ ना तो उसमें वो यही ड्रोनी ड्रोनी बातें करता है, तो मैं तो कह दूंगी कि जिनकी शादियाँ नहीं हुई वो शायद मसूद को बिल्कुल ना देखें, बहुत दिल टूटता है। मुझसे पूछ के देखे हमारा वक्त आएगा, ये जो लोग कहते ना कि अम्मत आई खड़ी है, ये क्यामत की निशानी है, बस खत्म, बस एंड है, ये है वो है, दूल्हा दुल्हन बन के जब हम स्टेज पे बैठेंगे ना इन्हीं लोगों से खींच खींच के सलामियाँ लेंगे। अच्छा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं खुश कैसे रहती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं ना ऑनलाइन वेबसाइट्स खोल के ना वो जो शॉपिंग नहीं करती ऑनलाइन वो करती हूँ, और जब तेल भर जाता ना तो बस खाली कर देती हूँ अपनी कार्ट। और अगर आपके पास मेरी तरह खाली वॉलेट नहीं है ना, पैसे हैं तो आप लोग शॉपिंग कर लें, कार्ट खाली ना करें। ईद भी तो आने वाली है, बच्चों के लिए अपने घर वालों के लिए शॉपिंग करें, कैसा आइडिया। अच्छा मैं सोच रही थी ये हालात जब ठीक होंगे तो लड़कियां तो सारी ब्यूटिशियन बन चुकी होंगी अपनी अपनी, उनको सारे काम अपने खुद ही करने आ चुके होंगे, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह पता नहीं पर चले ना चले। लेकिन ये जो लड़की है ना ये सारे तेरे नाम, वो जो मूवी नहीं थी तेरे नाम सलमान खान वाली, ये सलमान खान बन रही होंगे सारे लंबे लंबे बालों वाले। अच्छा कमेंट्स में ना अपनी पाकिस्तानी फेवरेट मूवी बताएं कौन सी जो आप बार बार देख सकते हैं। मेरे लिए दो हैं, एक मोहिब मिर्जा की है बचाना, मुझे वो बहुत पसंद है, और दूसरी है पीपा इन ट्रबल अली जफर की। अच्छा और आप लोगों ने ना दिल नहीं छोटा करना, एक काम करें अपनी अपनी ना जो जो टिप्स हैं ना खुश रहने के वो कमेंट्स में लिखें ताकि सब पढ़ें और उनको आइडियाज़ मिलें कि ज़िंदगी में इतनी सारी रीजन्स हैं खुश होने की, दिल छोटा करने वाली क्या बात है, मरे तो नहीं है ना, जिंदा है ना, सांस ले रहे हैं ना, लेते रहे लेते रहे लेते। और मुझे अफसोस है कि कई बड़े घबरा गए थे बीच में, अभी भी घबराए हुए हैं, लेकिन कोई फिक्र ना करें, घबराना नहीं है आपने, आने वाला दौर है ये बड़ा एक्साइटिंग दौर है।